अच्छा, हमने ना अभी तक ये तय नहीं किया कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं, बस हम निकल लिए और अब देखना है कि हम कहाँ पहुँचते हैं। कहाँ जा रहे हैं? सोनू, गुड मॉर्निंग ना। मुझे भी मार लिया। युवराज ऊपर करना फेस, स्मार्टी फेस। युवराज अपना स्मार्टी फेस करना, युवराज अपना स्मार्टी फेस दिखा दो ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है व्लॉगिंग करना छोटे बच्चे के साथ में। हम अपना फोटो तक क्लिक नहीं कर पाए, बट ओके। यहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता बना है और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जाखू टेम्पल। पिछली बार शिमला आए थे तो हमने घूमा था, लेकिन अभी नया तो ऐसा नजर नहीं आया, बट चलो सोचा कि इस बार इतना सुना है उस टेम्पल के बारे में, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स है भाई। तो ये रास्ता है, मुझे ना यहाँ पे कुछ कुछ चाहिए जो ऐसा इनके बना। बताओ That's a beauty. This time it's really very crowded, so if you are planning to come here, take care of some things. I'll tell you later. So basically, it's a CM house, and here is a circuit house. और आज तो अच्छी खासी ट्रैकिंग चल रही है। उस साइड से भी एंट्री है। Just look at the view. और भाई अगर आप आए हैं माल रोड और आप ये आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं तो आपका आना वेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर मतलब ये तो ये मान लीजिए कि आप यहाँ पर आए हैं तो ये आपको खाना ही खाना है, तो ये जस्ट गो एंड मस्ट ट्राई। ये लोग है इस वक्त यहाँ पर इतनी भयंकर भीड़, सो इफ यू प्लानिंग टू कम हियर अवॉइड इट। कपड़ों में हैंडल करना इज नॉट इजी, सो एकदम कंफर्टेबल हो गई हूँ मैं, ताकि अब उसको मैं संभाल पाऊँ। प्यारा सा बच्चा, मैं थका दिया है, ये हमारे हर ट्रिप की बैंड बजाता है सही। ये भी हमारे साथ हमेशा यही करता है, अभी तक हमारे साथ ट्रिप पे यही हुआ है कि हम यूवी को संभालते संभालते भूल ही जाते हैं कि भाई हम भी हैं कहीं, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस भी नहीं बना पा रही। अब देखो सब फिर से इसका रोना शुरू हो गया, इसकी डिमांड्स नहीं ख़त्म होती। स्काई बार, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है, हम लास्ट टाइम भी यहीं पर विजिट किया था, फिर अगेन वी आर विजिटिंग हियर। बहुत सुंदर सी पेंटिंग्स थी तो मुझे लगा कि ना रिकॉर्ड करना चाहिए ऐसे भी। तो यहाँ पर क्या है कि ना पूरा शिमला को मतलब दिखाया गया है, चाहे वहाँ पे वो चर्च हो या फिर और भी, चाहे वहाँ का म्यूज़ियम हो, मतलब जो जो चीज़ें वहाँ पर हैं उनको ना बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ड्रॉ किया गया था। और यहाँ पर यूवी ने करना शुरू कर दिया मुझे परेशान, अब देखो इस तरीके से, मतलब मुझे लिटरली अपने कपड़े चेंज करने पड़े भाई यहाँ पर आने के बाद, ताकि उसको हैंडल कर पाऊँ। आपको बड़ा कंफर्टेबल होना इम्पोर्टेंट है, और ना ज़्यादा खाने का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा वो परेशान करा, लेकिन अब व्यू देखो, मतलब इट इज़ अल्टीमेट। बट बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, लाइक आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन भाई इस व्यू के लिए इतना तो वर्थ इट है, मतलब स्ट्रगल, बट ठीक है, स्ट्रगल इज़ ओके व्हेन यू आर वॉचिंग दिस। और फिर ना मैंने कोशिश की कि मैं अक्षय और यूवी की अच्छी फ़ोटो क्लिक करूं, लेकिन नहीं, पर अच्छा क्लिक हुआ नहीं, क्योंकि यूवी तो हमारा रुकता है ही नहीं। एंड भाई जस्ट लुक एट द क्राउड, ज़रा देखो कितनी भीड़ है, मतलब
ये कोई सब्जी मंडी है, ये माल रोड की तस्वीर है। अगर इतनी भीड़ में आने को आप तैयार हैं तो यू आर प्लीज वेलकम। मतलब इतना सुंदर व्यू लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर ना लग रहा था सीरियसली जैसे आप किसी बाजार में खड़े हो। वैसे तो माल रोड है ही बाजार, बट स्टिल इतनी ज़्यादा भीड़ थी भाई, मतलब लाइक कि आपको लोकल मार्केट जैसा फील कर रहा था। बट ठीक है, इतना सुंदर व्यू भी था, पर ये भी सब कुछ फीका कर दी। और यहाँ भी ना तिरंगा फहर रहा था हमारा, और अपनी तिरंगे को देख के ना मतलब आप फीलिंग ही अलग होती है। तो मुझे लगा इसको भी रिकॉर्ड कर ली थी जल्दी से। साथ में देखो बादल कितने खूबसूरत है, और ये शांत सा आसमान, मतलब है ना खूबसूरत सा व्यू। मुझे लगा आप लोग के लिए मुझे तुरंत से इसको कैद कर लेना चाहिए। जा पा रहे हैं तो खुद देख लेंगे, नहीं जा पा रहे तो मेरे वीडियो में देख लीजिए। और भाई इतनी भीड़ में भी लोग अपने फोटो क्लिक कराने के लिए एफर्ट कर रहे थे, मेरा तो एक भी फोटो क्लिक नहीं हुआ, तो हम रिचार्ज को ही संभाल रहे थे। प्लस इतनी ज़्यादा भीड़ थी और मुझे पता था कि यहाँ पर जो लाइटिंग है उसमें एक भी फोटो अच्छी नहीं आई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर गाइस।